आइए बच्चों, हम क्लास 7 का लेसन 6 द वेगाबॉन्ड पढ़ते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और बाकी 1 to 5 लेसन भी दिया हुआ है, उसकी एक्टिविटीज़ भी दी हुई है, वहाँ से आप समझ सकते हैं और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। और सबसे पहली बात यह है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बेल आइकन वाली घंटी ज़रूर दबाइए। और कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिए। आइए एक्टिविटी नंबर 7 करते हैं द वेगाबॉन्ड का। मेक एज मेनी न्यू वर्ड्स एज यू कैन फ्रॉम द पोएम बाय एडिंग सफिक्स। वन इज डन फॉर यू, एक हम लोग के लिए किया हुआ है। वाई से दिया हुआ है वेल्दी। तो देखो, पोएम से हम लोग को ये सफिक्स बनाना है, उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास में। हिंदी में उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है, जिसे हम लोग प्रीफिक्स कहते हैं इंग्लिश में, और सफिक्स प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगता है। तो ये देखो, आप वाई से वेल्दी दिया हुआ है तो बुशी बना दिया हमने, स्टोरी जो भी है बनाया। और देखो, लाइफलेस, होपलेस, फुल्ली, होपफुली, ली का दिया हुआ लवली, हैवली, लाइकली, जो भी फ्रेंडली। और टी एच से दिया हुआ है तो वार्म्थ बना दिया हमने, साइड तो फायर साइड, रिवर साइड। ई आर दिया हुआ है तो हम लोगों ने बनाया है स्कोर, हाँ। और वार्मर, सीकर। आर दिया हुआ है तो लेटर और लवर। आइए एक्टिविटी नंबर 8 करते हैं। 8 हम लोग का जो दिया हुआ है, फाइंड पार्टिसिपल एडजेक्टिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो एडजेक्टिव पार्टिसिपल हम लोग को खोजना है, तो आईएनजी लगा हुआ है इसमें। ही गॉट डाउन फ्रॉम द रनिंग बस, हाँ। तो इसमें रनिंग जो है वो एडजेक्टिव हुआ। और लोडेड, द लोडेड ट्रक हिट द ट्री, तो लोडेड जो है वो हुआ हम लोग का एडजेक्टिव। आई मेट अ चार्मिंग वुमन टुडे, तो चार्मिंग जो है उसकी विशेषता बता रही है। डोंट ईट रोटिंग मैंगोज, सड़ा हुआ आम नहीं खाना चाहिए। क्रिकेट, क्रिकेट इज एन एग्जाइटिंग गेम। आइए बच्चों, हम लोग एक्टिविटी नंबर 10 करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द एडजेक्टिव इन द प्रॉपर डिग्री। राम इज क्या होगा, ओल्ड दिया हुआ है देन, और श्याम दिया हुआ तो ओल्डर होगा। नंबर बी देखिए, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नंबर सी, अ मैंगो इज एज स्वीट दिया है तो स्वीट इज टेस्ट एज एन एप्पल। नंबर डी, दार्जिलिंग इज कूलर, कूल दिया हुआ है तो कूलर देन सिलीगुड़ी। तो यहाँ पे देखो आप, नंबर सी में थोड़ा गड़बड़ है, स्वेटर होगा, ई आर होगा, ठीक है, आप वहाँ ई आर जोड़ना। और ई नंबर देखिए, कोलकाता इज द लॉन्गेस्ट सिटी इन द बंगाल। नंबर एफ, सीता इज टॉलर देन श्याम। ये हमारा हुआ एक्टिविटी नंबर 11। देखते हैं 11 में हम लोग का क्या दिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल नंबर्स। प्लूरल मतलब एक वचन, बहुवचन जो होता है, सिंगुलर और प्लूरल। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं येलो कलर के बॉक्स में, और कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं, उन वर्ड्स को चुन के हमने यहाँ पे लिखना है। नंबर ए देखिए, यू हैव ओन द मैच, तो क्या होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देना। नंबर बी, पुलिस हेडक्वार्टर वेयर नॉट फॉर वे, फार अवे, सॉरी। नंबर सी देखिए, ही डिड नॉट हैव द मैंस मीन्स बट ही हैड द कैपेसिटी टू बिल्ड एन एम्पायर। नंबर डी देखिए, द मतलब शब्द जो हमारा वाक्य दिया हुआ है, उस वाक्य के हिसाब से हमें इन शब्दों को, नाउन्स को जो है, प्लूरल नाउन्स को यहाँ पे सेट करना है। नंबर डी देखिए, द टेस्ट डैश सीरीज वॉज सो एक्साइटिंग डैट ऑल वी ग्लैड टू बी द
टेलीविजन। नंबर ई देखिए, ही हैड द बर्निंग कोल विथ द हेल्प ऑफ टर्क्स। बच्चों हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी क्लास 7 का। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाइएगा। इस तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, तो मैं और भी वीडियो ला सकूँगी आप लोगों के सामने। आप कुछ भी कमेंट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे दीजिएगा। थैंक यू।